दुनिया की पहली हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जर्मनी में इन दिनों हाइड्रेल का टेस्ट ट्रायल चल रहा है। ये ट्रेन एक फ्रेंच कंपनी ने बनाई है। यहाँ जर्मनी में ट्रेन के कई परीक्षण हो चुके हैं। फ्रांसीसी कंपनी अलस्टॉम के ये इंस्प्रोटे के मुताबिक नई ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में 60% कम शोर करती है। यह पूरी तरह उत्सर्जन मुक्त है। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल ट्रेन की परफॉर्मेंस के बराबर है। ये ट्रेन हाइड्रेल डीजल इंजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ इंजन की बनावट और ईंधन का है। ट्रेन में डीजल की जगह फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन ढंग से जलती है। इसके ताप से बिजली पैदा होती है। बिजली लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करती है और ट्रेन चलती है। इस दौरान धुएं की जगह सिर्फ भाप और पानी निकलता है। जर्मनी के 5 राज्य फ्रांसीसी कंपनी से ऐसी 60 ट्रेनें खरीदना चाहते हैं। 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन को एक फ्यूल सेल और 207 पाउंड के हाइड्रोजन टैंक की जरूरत होगी। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ट्रेन 650 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। जर्मनी में फिलहाल 4000 डीजल ट्रेनें हैं। योजना के मुताबिक 2018 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रेल उतारी जाएंगी। यूरोपीय संघ के मुताबिक इस वक्त EU में 20% ट्रेनें डीजल वाली हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, UK और नीदरलैंड्स ने भी ट्रेनों को खरीदने का विचार किया है।